हेलो एवरीवन, कैसे हो? मेरा नाम है स्नेहित मिश्रा और स्वागत है तुम्हारा भारत के सबसे यानी सही में सबसे क्रेडिबल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म, जहां पे हम कर रहे हैं IIT JEE मेंस और एडवांस की तैयारी। और जब मैं विश्वसनीयता की बात करूं तो ये विश्वसनीयता सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे वजह से बनी है, क्योंकि तुम मुझ पे विश्वास करते हो। आप मेरे लिए बच्चे नहीं हो, आप मेरे लिए भारत के होने वाले टेक्नोक्रैट्स हो, जो बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस भारत में करने वाले हैं। तो एक बच्चे का विश्वास किसी के ऊपर यूं ही बन जाता है, लेकिन एक जगे हुए दिमाग का विश्वास किसी के ऊपर बनता है तो उसको सीरियसली लेना चाहिए। और तुमने मुझ पे विश्वास दिखाया, इसी के बेसिस पे मैं कह पाता हूँ सबके सामने नज़रों में नज़रें मिला कर कि हाँ, ये एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है भारत का सबसे विश्वसनीय एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। विश्वसनीयता ऐसे बनती है कि जो हमने कहा वही हमने किया, हमारी कोई हिडन एजेंडा नहीं है। हमें रेवोल्यूशन का नाम लेकर के तुम्हें अपने तक बांधना नहीं है। मेरी विश्वसनीयता तब बनती है जब मैं ये कहता हूँ कि तुम्हें जिस टीचर से समझ आ रहा है तुम उनसे पढ़ो, सिर्फ मुझसे नहीं पढ़ो अगर तुम्हें मुझसे समझ नहीं आ रहा। विश्वसनीयता ऐसे बनती है जब हम रैंक खरीदते नहीं बनाते हैं, और ये विश्वसनीयता तुमने दिखाई है। इसके लिए मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, बस एक आँखों में मेरे देख के मेरे थैंक यू को फील करो। हम कर रहे थे IIT JEE मेंस और एडवांस की तैयारी। अध्ययन का सब्जेक्ट था हमारा भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स। जादूगर स्नेहित मिश्रा हाजिर है, जो तुम्हें भौतिक विज्ञान के जादू को सिखाने के लिए आ चुका है। तुम्हारे तो मज़े हैं यार, एक तो मेरा नाम लिखा हुआ है पीछे और मेरी शक्ल बनाई हुई है। इतनी अच्छी भी शक्ल नहीं है, बट ठीक है, जिसने बनाई वो बहुत करुणामय इंसान होगा। हमने पिछले क्लास में रेट के बारे में पढ़ा था। रेट के दो प्रकार होते हैं, एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज रेट को समझा था कि एक टाइम इंटरवल में अगर रेट कैलकुलेट करते हैं तो एवरेज रेट होता है। किसी भी इंस्टेंट पे अगर रेट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो इंस्टेंटेनियस रेट होता है। इंस्टेंटेनियस रेट में कैलकुलेट करने में हमें कोई प्रॉब्लम आई थी, उसका सॉल्यूशन के तौर पर हमने कैलकुलस देखा था। ये हुई थी कल के लेक्चर में पूरी की पूरी बातचीत। थोड़ा सा रिकैप कर दूं, क्योंकि कैलकुलस पढ़ते वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि हमें फ्लो मेंटेन किए रहना होता है। और कल के बाद अगर आप आज लेक्चर देख रहे हो तो आपका ऑब्वियसली बात है कि फ़्लो छूटा होगा, है ना। अगर आप बिंज वॉचिंग कर रहे हो, जो कि मैंने करने से रोक रखा है, बट हो सकता है एग्ज़ाम तुम्हारा नज़दीक हो तो तुम मुझसे समझने आए हो, तो कोई बात नहीं, तुम्हारा फिर फ्लो नहीं टूटा होगा। बट मैं उस बच्चे को ध्यान में रख के नहीं पढ़ाता ना, जो मेरे बिंज वॉचिंग कर रहा है एक दिन में 10 लेक्चर। मैं तो उस बच्चे को ध्यान में रख के पढ़ाता हूँ जो मेरे साथ सिंसियर तैयारी कर रहा है। कल जिसने पढ़ाई की थी, अब वो एक दिन रेस्ट करता है, फिर अगले दिन की क्लास मेरी अटेंड करता है, तो मैं उसके लिए 2 मिनट का रिकैप करता हूँ जो कल के लेक्चर में मैंने पढ़ा रखा था। बहुत तेज़ी से 120 सेकेंड लगेंगे। रिकैप यार, फालतू सीरियल्स जो होते हैं उसका रिकैप होता है, ताकि पिछले दिन की कहानी तुम याद रखो। ये तो भौतिक विज्ञान का जादू है यार, इसमें क्या रिकैप से घबराना। एक एग्जाम्पल जो लास्ट मैंने लिया था उसके थ्रू मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। S बराबर t स्क्वायर लिया था मैंने, इसमें इसे कहा था कि ये डिपेंडेंट है और इसे कहा था कि ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है। इसे लिखने का तरीका था S इज फंक्शन ऑफ t। इसे लिखने का ये तरीका बिल्कुल नहीं था, S इज फंक्शन ऑफ t स्क्वायर नहीं, S इज द फंक्शन ऑफ t, ठीक है। इसके बाद हमने बात की थी रेट की। अगर रेट का डेफिनेशन कल लिखना भूल गए थे तो रेट का डेफिनेशन लिख दो, द स्पीड ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट क्वांटिटी इज कॉल्ड रेट, ठीक है। रेट को हमने 2 तरीके से डिफाइन किया था, एक होता है एवरेज रेट और एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट। इसका एग्जाम्पल हमने इसी फंक्शन से समझा था। अब मैं इस तरीके के एक्सप्रेशंस को फंक्शन बोलने की आदत डालूंगा तुम्हारे सामने। जब मास्टर बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाता है ना बच्चे, तो वो घबरा जाता है कि फंक्शन f(x) s ऐसे ऐसे नाम ले या नहीं। बट मेरे बच्चे समझदार है, तो मैंने कल बहुत जीरो लेवल से उठाया, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब मैं इसे फंक्शन बोलूँगा तो तुम घबराओगे नहीं। तो इसी फंक्शन के अकॉर्डिंग हमने दोनों रेट्स को कैलकुलेट करने की कोशिश की थी। आज मैं तुम्हें रिकैप कराते वक्त दोबारा से एक डेटा चार्ट बनाऊंगा, उसके अकॉर्डिंग फिर से रिकैप करवा देता हूँ। इंडिपेंडेंट 30 डिपेंडेंट है ए से 1 1 2 4 3 9। पूछने वाले ने तुमसे पूछा कि रेट की वैल्यू बताओ t इक्वल टू 2 सेकेंड से t इक्वल टू 3 सेकेंड पे। तो तुमने कल फार्मूला जान रखा था डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई। कल मैंने बताया था कि जहाँ पे ट्रायंगल हो उसे डेल्टा बोलते हैं, और डेल्टा का मतलब होता है डिफरेंस। और डेल्टा एक्स कभी याद नहीं रखना, डेल्टा वाई कभी याद नहीं रखना, इसको याद रखना डिपेंडेंट क्वांटिटी का चेंज और अपॉन इंडिपेंडेंट क्वांटिटी का चेंज। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग डिपेंडेंट क्वांटिटी कौन है मेरे बच्चे? इसके अकॉर्डिंग डिपेंडेंट क्वांटिटी है एस, तो यानी डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी की वैल्यू क्या होगी? 3 माइनस 2। और 3 पर एस की वैल्यू क्या है? 9। और 2 पर एस की वैल्यू क्या है? 4। 9 में से 4 जाएगा 5, 3 में से 2 जाएगा 1, 5 मीटर प्रति सेकंड रेट आ गया। जब मैंने तुमसे पूछा कि 2 से 3, ये क्या है? ये एक टाइम इंटरवल है, टाइम इंटरवल। ठीक है, तो जब टाइम इंटरवल दिया हो तो हम रेट ऐसे कैलकुलेट करते हैं, और रेट बहुत खूबसूरती से आ जाता है। और इस तरीके के रेट जिसमें टाइम इंटरवल के दौरान रेट कैलकुलेट करना हो, इसे हम बोलते हैं एवरेज रेट। लेकिन किसी ने पूछ दिया कि टेल मी द रेट एट 1 सेकेंड। ठीक है, रेट एट 1 सेकेंड कहने वाले का मतलब था कि जो टाइम है वो कहीं पे शुरू हुआ होगा और जाते जाते ख़त्म हुआ होगा। तो 1 सेकेंड की शुरुआत हो गई, 1 सेकेंड की एंड हो गई। हमने बोला कि ठीक है, 1 सेकेंड के शुरुआत से लेकर के 1 सेकेंड की एंड तक की मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ। डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, चेंज इन टी ये होगा, 1 पे एस की वैल्यू 1 होगी और 1 पे एस की वैल्यू 1 होगी। यह आता है 0 अपॉन 0, और ये होता है अनडिफाइंड। और यहीं पे हमारी प्रॉब्लम आई थी। पिछले क्लास का रिकैप्चुलेशन चल रहा है, इसलिए मैं तेज़ तेज़ बोल रहा हूँ। तुम्हें कोई दिक्कत होनी चाहिए नहीं मार्ट साहब, नहीं होनी चाहिए। अरे शाबाश मेरे शेर इतनी तेज़ तुम ग्रैस्प कर लेते हो ना, तुम्हारा दिमाग IITans वाला बन चुका है। बस तुम्हें फॉर्मेलिटी करनी है JEE एडवांस के एग्ज़ाम दे करके। ये अनडिफाइंड होता है, इसे डाइजेस्ट करने की कोशिश करो। ठीक है, बहुत खूबसूरत सी चीज़, हम प्रॉब्लम तक पहुँच गए थे। एक बात गौर करने की कोशिश करना कि यहाँ पे जो चेंज इन टाइम है ये अप्रॉक्सीमेटली 1 है, यानी कि ये नॉन जीरो है। ठीक है, चेंज इन टाइम जो है वो क्या है? नॉन जीरो। इक्वल टू दे करके काट दिया, नॉन जीरो है। जबकि इंस्टेंट पे क्या होता है? चेंज इन टाइम क्या है? जीरो है ना? चेंज इन टाइम क्या है? जीरो है। अब ये अनडिफाइंड हो रहा था, अनडिफाइंड से हमारा काम चल नहीं रहा था। तो हमने क्या किया था कि भाई साहब, हम 1 सेकंड के शुरुआत से लेकर 1 सेकंड के एंड तक नहीं कैलकुलेट कर सकते, अनडिफाइंड आ रहा है। एक जुगाड़ करते हैं। जुगाड़ क्या करते हैं कि 1 सेकंड के जस्ट एकदम आगे, चिट्टू से एकदम, इमेजिन नहीं कर सकते मेरे भाई, इतना आगे, मतलब इतना दूर में आगे नहीं, इतना पास एकदम बगल में, इतना चिपका हुआ इंसान की इमेजिन नहीं कर सकते। ठीक है, उसको एक्सप्रेस हमने किया था 1.0000000। खानदान मर गई, शक्तिमान आ गया, सुपरमैन आ गया, सबने जीरो लगाया, माधुरी दीक्षित आ गई, कैटरीना कैफ आ गई, विक्की कौशल आ गया, सब कोई ने अपने अपने जीरो लगाया और लास्ट में जाकर के 1 लिखा, इतना करीब। अब हम 1 से 1 पर नहीं कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। अब हम क्या करेंगे कि रेट कैलकुलेट करेंगे 1 सेकेंड से 1.00000 इनफाइनाइट टाइम्स 1, इनफाइनाइट टाइम जीरो लगाने के बाद एक 1 लगा दिया लास्ट में। वहाँ तक हम रेट कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं इस पर डिफाइंड होता है ये रेट या नहीं। अगर हम 1 से 1 तक कैलकुलेट नहीं कर सकते तो 1 से एकदम 1 के जस्ट बगल तक कैलकुलेट करेंगे, और एक अजम्पशन लेंगे कि जो 1 से 1 के जस्ट बगल तक जो रेट था वही 1 से 1 तक का रेट था, और उसको हम आंसर मान के चल देंगे। कैलकुलेट करके देखते हैं। पहले डेल्टा टी लिखते हैं, 1 पॉइंट खानदान ख़त्म 0 1 डॉट 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 1 माइनस 1, बहुत जीरो लगाया, डॉट 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 का मतलब इनफाइनाइट टाइम जीरो है। इस पे जो है वो एस की वैल्यू क्या होगी? टी को डाला 1 पॉइंट बहुत क्लोज टू 1, तो एस की वैल्यू होगी इसका स्क्वायर, यानी कि 1.00000000021। ठीक है, क्या मेरे बच्चे इतनी बात क्लियर हुई? हाँ मार्ट साहब, क्लियर हो गई, शाबाश। -1 ऊपर में क्या आया? ऊपर में आया था, या मैंने क्या कर दिया, 121। हाँ, तो इसका जब मैंने अप्रॉक्स वैल्यू तुम्हें बताया था तो वो क्या आया था बच्चे? वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2 आया था, है ना? और हमने रेट को डिफाइन कर लिया था कि सर इस पे अनडिफाइंड हो रहा था, लेकिन जैसे ही हम 1 से थोड़ा सा आगे कैलकुलेट करेंगे तो 2 है। तो हम ये मान के चलते हैं कि भाई साहब ये 2 मीटर प्रति सेकेंड ही इसका रेट है। और मैंने पूरा का पूरा फील दिलवाया था कल कि ये अनडिफाइंड गलत क्यों है, क्योंकि 1 सेकेंड के शुरुआत से लेकर 1 सेकेंड के एंड तक गाड़ी चली तो थी ना मेरे बच्चे। वेलोसिटी का एग्जांपल लेके मैंने बताया था गाड़ी चली तो थी, तो अनडिफाइंड हमारी मैथमेटिकल इनकेपेबिलिटी बताता है कि मैथमेटिक्स में इतने कमज़ोर है कि हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, जबकि इस तरीके को फिर हमने अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए एक तरीका ढूंढा, फिर हम कैलकुलेट कर पा रहे थे। ये पूरे का पूरा कल का लेक्चर का समराइजेशन मैंने कर दिया। क्या मेरे बच्चे को मेरी बात समझ में आ गई? हाँ मार्ट साहब समझ में तो आ गई यार। सच्ची में अगर तुम इतनी तेज कंटेंट को जो मैंने रिकैप किया है, अगर तुमने उसको अपने दिमाग में बिठा लिया है ना, तुम्हारे जैसे दिमाग वाले बच्चों की ज़रूरत है। और नहीं भी बिठा पाए, थोड़ा स्लो हो करके देख लो यार। द एक्सपर्ट इज़ एनीथिंग वाज वंस अ बिगिनर। किसी भी चीज़ में जो एक्सपर्ट कभी हुआ है ना, उसने कभी तो पहली बार कलम पकड़ी होगी। एल्बर्ट आइंस्टीन ने कभी तो पहली बार ABCDEFGH लिखना चालू किया होगा ना। भगवान श्री कृष्ण भगवान बने, गुरुकुल गए थे ना। राम भगवान गुरुकुल गए थे ना। द गॉड ऑफ एवरी रिलीजन वाज वंस ए स्टूडेंट। तुम भी भगवान बन जाओगे, चिंता मत करो, शुरुआत है तुम्हारी और यात्रा शानदार होनी चाहिए। नोट करो, मैं 1 सेकंड के लिए हट रहा हूँ। चलो टिकटॉक 1 2 हट गया। अब मैं इसे मिटाता हूँ और फिर आज की बात हम आगे बढ़ाते हैं। इस एग्जाम्पल को रहने देता हूँ क्योंकि इसी का इस्तेमाल करते हुए हम बढ़ेंगे। मिटा दिया मैंने, फिर से लिख दूंगा। ये तरीका था हमारा इंस्टेंटेनियस रेट कैलकुलेट करने का, ये वाला, और इससे हमने एक सॉल्यूशन बनाया। बट ये मुश्किल बहुत तरीका है क्योंकि यहाँ पे 1 सेकंड से 1 सेकंड के बीच कैलकुलेट करने के लिए है। सबसे पहले तो यहाँ पे टी का वैल्यू मैंने ये रखा, तो यहाँ पे टी का स्क्वायर, और मुझे स्क्वायर करने में सहमत आती है भाई, मुझे गुना वुना करना पसंद नहीं है। देखा, मैं यहाँ लिख रहा था तो फंस रहा था। भाई साहब, जब तेरे मार्ट साहब को गुना करने में इतने मुश्किल आ रहे तो तुम्हें तो पता नहीं। मैं ये नहीं कहता तुम मुझसे ज़्यादा नहीं जानते, लेकिन जनरल बात है। एक तो इरिटेटिंग इतना होता है मल्टीप्लाई करना, तो इसके लिए फिर साइंटिस्ट आया और उन्होंने तरीका ढूंढा, और उसी का तरीके का नाम आज हम लोग कैलकुलस के तौर पे पढ़ेंगे। रिकैप, अब हटाओ इसे, नई चीज़। पिछले क्लास से हमने टोटल कंक्लूजन यही लिया कि रेट का फार्मूला होता है ΔX/ΔT, जिसमें एक्स और ΔX/ΔY, जिसमें एक्स और वाई हमें याद नहीं रखना, हमें याद रखना होता है ΔX के जगह डेल्टा डिपेंडेंट क्वांटिटी और ΔY के जगह डेल्टा इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, है ना। S = T² का एग्जाम्पल लेते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम रेट लिखना चाहें तो ये क्या आएगा? चेंज इन डिपेंडेंट क्वांटिटी अपॉन चेंज इन इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। ठीक है। हमने एक चीज़ ऑब्जर्व किया था कि जब रेट एवरेज निकाल रहे थे तो यहाँ पे T1 दिया हुआ था, यहाँ पे T2 दिया हुआ था, और हम निकालते थे रेट तो होता था यहाँ पे S2 - S1 अपॉन T2 - T1। सपोज ये 4 दिया है, ये 3 दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे 4 रखेंगे, यहाँ पे 3 रखेंगे, ठीक। अब ये होता था एवरेज रेट, ठीक है, एवरेज रेट होता था, जिसमें कि ये जो ΔT की वैल्यू है वो ≠ 0 होता था, या कुछ ना कुछ वैल्यू आती थी, 2 3 4 कुछ भी आई, है ना। जब हमने एक चीज़ ऑब्जर्व किया कि रेट जो है वो किसी एक टाइम के शुरुआत से लेकर के किसी एक टाइम के अंत तक, T2 यहाँ नहीं लिखना, यहाँ पे T1 ही लिखना है। 1 सेकंड पे हमसे रेट पूछा गया, तो मतलब कि 1 सेकंड के शुरुआत से 1 सेकंड के अंत तक, तो इसमें हम क्या लिखते थे? इसमें हम लिखते थे S1 - S1 अपॉन T1 - T1, क्योंकि T1 पे S1 की वैल्यू S1 होगी और T1 पे S1 की वैल्यू S1 होगी, और ये 0/0 आता था। यानी यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि ΔT जो है वो =exactly 0 हो रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ गई बच्चे? जब तो ΔT exactly = 0 हो जाती है तो ये अनडिफाइंड हो जाता है। ये कुछ केसेस है जो मैं तुम्हें लिखवा रहा हूँ, और जब ये 0 ≠ 0 होता है तो ये डिफाइंड होता है, ठीक है। यानी एवरेज रेट आसानी से डिफाइंड हो जाएगा, लेकिन इंस्टेंटेनियस रेट नॉर्मल कंडीशन में अनडिफाइंड है, तो इसको हम लोग डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि R को T1 लिखते हैं, और जो ये T1 था, जो एंडिंग पोजिशन था, इससे जस्ट आगे की एक पोजिशन ले लेते हैं। तो यानी कि T1 में जस्ट आगे की, यानी कि ये 1 सेकंड था ना, तो ये जस्ट आगे की पोजीशन क्या होगा? 1.0000000000000000 इनफाइनाइट टाइम 01, ये जस्ट बगल की पोजीशन है, तो ये हमने ले लिया यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ये 1 सेकंड प्लस 0. 0.000 इनफाइनाइटम 01 ऐसे लिखा हुआ है 1 सेकेंड प्लस, ठीक है। यानी कि ये तो 1 सेकेंड का 1 सेकेंड ही है प्लस ये बहुत छोटा टाइम है, क्या है, बहुत छोटा टाइम है। यानी कि हम इसे मान सकते हैं डेल्टा टी। डेल्टा टी का मतलब कि इस 1 सेकेंड में बहुत छोटा सा चेंज आया है ना, बहुत छोटा चेंज आया, बहुत छोटा, कितना छोटा, बहुत छोटा, इनफाइनाइट, बहुत, इमेजिन नहीं, कल्पना नहीं कर सकते मेरे बच्चे, इतना छोटा, ठीक है। तो ये डेल्टा टी लिखने का मतलब है कि बहुत छोटा चेंज आया, यानी कि हम टी वन से टी वन तक कैलकुलेट नहीं कर पा रहे थे, तो हमने क्या किया, टी1 से टी1 प्लस डेल्टा टी पे कैलकुलेट करना चालू किया, और अब जो है सो हमारे लिए डेल्टा टी की वैल्यू 0 नहीं आ रही थी, 0 नहीं आ रही थी। नीचे में तुमने ऑब्जर्व किया होगा 1.000 इनफाइनाइट टाइम 0 1 माइनस 1 लिखा था, तो इसकी जो वैल्यू आती है वो 0.0000001 आती है। ये 0 है, मैंने 001 कैसे ले लिया, डॉट 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 लगाना भूल गया, 01। ये क्या एग्जैक्टली 0 है? नहीं मार्ट साहब, 0 नहीं है, ये क्या है, 0 के बहुत करीब है, बहुत करीब है, लेकिन 0 नहीं है, 0 है, नहीं है, 0 के बहुत करीब है। हाँ, तो यहाँ पर जो डेल्टा टी है ये 0 के बहुत करीब है, और कोई किसी नंबर के बहुत करीब होता है तो उसे हम एरो से दिखाते हैं और उसे पढ़ते हैं हम टेंड्स टू 0, टेंड्स टू 0। यानी हम कह सकते हैं कि डेल्टा टी टेंड्स टू 0। क्या मेरे बच्चे मेरी बात क्लियर हुई? क्या मेरे बच्चे को मेरी बात क्लियर हो गई? हाँ मार्ट साहब क्लियर हो गई। देखो यहाँ पर डेल्टा टी हमने लिखा ना, डेल्टा टी बहुत करीब है 0 के, तो डेल्टा टी हमेशा 0 के करीब ही होता है, बहुत करीब। और यहाँ पे हमने T1 से T2 तक इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे हमें डेल्टा T इक्वल टू 0 आ रहा था, तो अनडिफाइंड था, अब हमें अनडिफाइंड नहीं मिलेगा क्योंकि इसके अकॉर्डिंग हमें आंसर मिला था 2 मीटर पर सेकंड, तुम्हें याद होगा, तो है ना। तो इस तरीके से हमने किसी भी चीज़ को कैलकुलेट किया था इंस्टेंटेनियस रेट के नाम पर। अब प्रॉब्लम आती है कि मार्ट साहब इतने गुने डिवाइड मुझसे नहीं होते। जैसे एक उदाहरण के तौर पर तुमसे मैं और एक चीज़ करवाता हूँ कि सपोज यही वाला एग्जाम्पल दिया हुआ है, एस बराबर टी स्क्वायर, तुमसे पूछा गया फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एस विथ रिस्पेक्ट टू, डब्ल्यू आर टी का मतलब होता है विथ रिस्पेक्ट टू, विथ रिस्पेक्ट टू टी एट टी इक्वल टू 3 सेकेंड। यानी कि ये एट दिया है, एट का मतलब होता है खास टाइम पे पूछा गया है, तो ये कहाँ, यहाँ क्या कैलकुलेट करवाना चाहता है, इंस्टेंटेनियस रेट। क्या मेरे बच्चे को मेरी बात क्लियर हुई? जबकि अगर एवरेज रेट उसे कैलकुलेट करवाना होता तो वो सवाल में क्या देता कि फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एस विथ रिस्पेक्ट टू टी फ्रॉम टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड टू टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड, या फ्रॉम टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड टू टी इज इक्वल टू 7 सेकेंड, ऐसे कोई एक रेंज देता। बट ये क्या है, एक मोमेंट पे पूछा गया है, तो ये एक इंस्टेंटेनियस रेट हमें कैलकुलेट करवाना चाह रहा है। रेट बराबर डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी हमें कैलकुलेट कहाँ पे करना है, 3 सेकेंड, यानी 3 सेकेंड के शुरू से लेकर 3 सेकेंड के अंत तक। इस पे कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो 3 - 3 हो जाएगा, ऊपर 9 - 9 हो जाएगा, 0/0 आ रहा है, ये अनडिफाइंड हो गया। इंस्टेंट पे प्रॉब्लम फिर वही आ गई ना, चाहे हम 1 सेकंड पे कैलकुलेट करना चाहे पिछले एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, या हम 3 सेकंड पे कैलकुलेट करना चाहे, हम 10 सेकंड पे कैलकुलेट करना चाहे, किसी भी मोमेंट पर इंस्टेंट पे कैलकुलेट करोगे वो आएगा क्या, अनडिफाइंड। हमने क्या किया अपने रूल के अकॉर्डिंग, 3 से 3 पॉइंट बहुत छोटा 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 0 0 लगाया, खानदान बीता, उसके बाद लास्ट में 1 लगा दिया। यानी कि ये एग्जैक्ट 3 नहीं है, 3 के बहुत करीब है। तो हम क्या करेंगे, अब इसका रेट निकालना है, तो 3 पॉइंट छोटा 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 डॉट 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 1 लगाया, -3 किया, ऊपर में 3.000 डॉट 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 1 लगाया, इसका स्क्वायर करेंगे, -3 करेंगे एग्जैक्टली, ठीक है। अब भाई साहब प्रॉब्लम आ गई ना, इसका स्क्वायर करना कितना मुश्किल काम है, ये तो फिर भी घटा करके ये आ जा रहा है 0.0000 इनफाइनाइट टाइम्स 1, लेकिन ऊपर वाला स्क्वायर करेंगे, दिक्कत होगा है ना, लेकिन हमें आंसर इससे मिलेगा और इससे रेट इंस्टेंट पे मिल जाएगा। हमें आंसर तो आ रहा है, तरीका तो खोजने वालों ने ढूंढ लिया, वाह मार्ट साहब ढूंढा तो था, लेकिन हमें बहुत दिक्कत आने लगी। तब इस पर खोजने वालों ने फिर आगे काम किया, और वो क्या काम किया अब उस पर हमें देखने की ज़रूरत है। ये 3 - 3 है, ये डेल्टा टी जो है बच्चा वो क्या है बेबी, 0। ये क्या है, डेल्टा टी जो है वो टेंडिंग टू 0 है ना, तो ये डेल्टा टी एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो है और डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो है, तो ये हमेशा डिफाइंड होगा और ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, जैसा कि हमने यहाँ पर रूल बनाया है। डेल्टा टी इक्वल टू जीरो पे नॉट डिफाइंड था या अनडिफाइंड था, और डेल्टा टी जैसे ही टेंडिंग टू जीरो हुआ ये वाली चीज़ डिफाइंड हो जाती है, और जब ये डिफाइंड होती है तो इसी वैल्यू को हम इसके आंसर के रूप में मान लेते हैं, क्योंकि ये T1 और T1 प्लस डेल्टा T में बहुत कम डिफरेंस है। तो हम एक अजम्पशन लेते हैं कि हाँ, जो इस गैप में रेट रहा होगा वही इस गैप में रेट रहा होगा, और इसी गैप के आंसर को हम इस गैप के आंसर में बिठा देते हैं। जुगाड़ है ना। विज्ञान, भौतिक विज्ञान उतने डिटेल में नहीं पहुंच पाया कि इस एरर को कंपनसेट कर पाए, है ना। तो इसी के आंसर को हम इसका आंसर मान लेते हैं, क्योंकि ये जो है ये T1 के बहुत करीब है बच्चे, करीब था कि मैं इमेजिनेशन नहीं कर सकता, दिख सकता है तुम्हें, ठीक है। तो अब इस, ये तो हमारा फील वाली बात थी, अब इसके सॉल्यूशन के तौर पे हम आगे बढ़ रहे हैं कि इंस्टेंटेनियस रेट को हम इतना गुना ना करना पड़े, तो हम ये क्या करें जिससे कि हमें अब डायरेक्ट चीज़ें मिलती जाएं। टिंग 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 टिंग। देखो, इंस्टेंटेनियस रेट हमें कैलकुलेट करना है ना, तो हमें दिया गया है क्या, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी कैलकुलेट करना। हमारा मकसद क्या है, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी कैलकुलेट करना। मकसद हमारा एक के मकसद है डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी को कैलकुलेट करना। हमारा फंक्शन क्या दिया था, मैंने फिर फंक्शन बोला, फंक्शन बोलूँगा तो ये समझ लेना, ठीक है। एस बराबर टी एस का फंक्शन सिर्फ ये नहीं होता, सपोज कल को दिया होता फंक्शन बराबर एस बराबर साइन एक्स, तो ये भी एक फंक्शन है, ठीक है। तो ये मैंने फंक्शन एक लिखा है ना। एक बात बताना मुझे, वन का स्क्वायर लिखा मैंने, ठीक है, तो ये क्या होगा वन, और 1.00000000 इनफाइनाइट टाइम 00000 लगाते गए वन, और इसका स्क्वायर किया तो ये क्या आएगा इसका आंसर बच्चे, 1.000000 बहुत दूर तक जाएंगे, इनफाइनाइट टाइम 0021, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट वन है, और ये वन के एकदम छोटा सा डिजिट एक और जुड़ गया, छोटा सा, एकदम छोटा सा, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली जो है वो बच्चा ये वाला टर्म और ये वाला टर्म इक्वल है। अप्रॉक्स, मैंने क्या बोला, इक्वल नहीं है, अप्रॉक्स इक्वल है, ठीक है ना। तो हम इसे और इसे इक्वल ट्रीट कर सकते हैं। ये कितना पास है ना बच्चे, मैं बता ही नहीं सकता, तुम कल्पना ही करते रह जाओ, ठीक है। वन के एकदम जस्ट बगल में है और उसका स्क्वायर किया तो ये आया, ये डॉट 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 बोर्ड के खत्म हो गया, दुनिया खत्म हो गई, पृथ्वी चांद तक जीरो लिखते गए, और उसके बाद एक 21 आ जाएगा, है ना। तो ये इतना क्लोज है, तो हम इसे इसके बराबर लिख सकते हैं। वही चीज़ मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। कर क्या रहे हैं माट साहब, हम कर ये रहे हैं बच्चे कि हमें इंस्टेंटेनियस रेट कैलकुलेट करना था, उसका हमने एक तरीका तो ढूंढ लिया, बट वो बहुत मुश्किल तरीका है, तो उसको आसान बनाने की कोशिश। और बच्चे में सबसे बड़ा दिक्कत ये होता है कि सर सोचने वालों ने ये सोचा कैसे था, वो सोचने वालों ने सोचा था, उसकी सोच पे जाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी मौका नहीं है जाने का। मैथमेटिक्स के तुम्हारे अच्छे टीचर होंगे तो वो सोच तक पहुँचाएंगे कैसे सोचा होगा, ये जो मैं अभी करूँगा ना तुम्हें लगेगा अच्छा ये तो फार्मूला बता दिया आपने, सोचा कैसे, वो सोच आपकी मैथमेटिक्स के टीचर बताएंगे। मुझे थोड़ा सा माफ़ करना, मेरी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी है बच्चे, बट मैं मैथमेटिक्स पढ़ा नहीं सकता तुम्हें, मैं भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, तो मैं भौतिक विज्ञान में तुम्हें जागरूकता, इंटरेस्ट, सारी चीज़ें लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखो एस है बच्चे, एस में मैंने एस को पॉइंट दिया और 000000000 इनफाइनाइट टाइम 0 लगा के 1 लगाया, तो ये एस को क्या मैं अप्रॉक्सीमेटली इसके इक्वल मान सकता हूँ, हाँ मैं मान सकता हूँ, बिल्कुल मान सकता हूँ। तो मैंने ये 0001 क्या किया, ये मैंने क्या किया कि एस में जो है ना वो डेल्टा एस जोड़ दिया। डेल्टा एस क्या है, बहुत छोटी सी क्वांटिटी है, क्योंकि हम इंस्टेंटेनियस की बात कर रहे हैं, तो इसमें डेल्टा टी की वैल्यू टेंडिंग टू जीरो होती है और डेल्टा एस की वैल्यू टेंडिंग टू जीरो होती है, नॉट जीरो, टेंडिंग टू जीरो, जीरो के बहुत करीब, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। टी में भी मैंने डेल्टा टी जोड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। इसी चीज़ को यही मैंने लिख दिया। अब क्या किया, एस प्लस डेल्टा एस किया, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ने की कोशिश की, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। क्या मेरे बच्चे मेरी बात क्लियर हुई? अब क्या है, एस जो है वो टी स्क्वायर के बराबर है, यानी एस जो है टी स्क्वायर के बराबर है, तो टी स्क्वायर के जगह पे हम एस लिख सकते हैं और एस से एस को छमाछम उड़ा करके काट सकते हैं। तो इधर बचेगा सिर्फ डेल्टा एस और इधर बचेगा डेल्टा टी का स्क्वायर 2t इंटू डेल्टा टी। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, मकसद क्या है, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी कैलकुलेट करने का हमारा मकसद है। हमने क्या किया कि इसमें से डेल्टा टी दोनों में से कॉमन निकाल लिया। कॉमन निकालना तो आता होगा मेरे बच्चे को। डेल्टा टी इसमें बचेगा प्लस 2 इंटू टी बचेगा। अब डेल्टा टी को इधर ले आते हैं, डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, इधर बचेगा डेल्टा टी प्लस 2t। हो गया, हमने रेट को कैलकुलेट कर लिया और एक फार्मूला के तौर पे बना लिया। अब इसे और आसान करने की कोशिश करते हैं। मैंने क्या कहा था कि जब इंस्टेंटेनियस जब भी आप रेट निकालने की कोशिश करोगे तो ये जो डेल्टा टी की वैल्यू है ये टेंडिंग टू जीरो होगी। क्या होगी? इस एरो को बोलते हैं टेंडिंग टू जीरो, टेंडिंग टू। तो डेल्टा टी जो है वो टेंडिंग टू जीरो है, यानी कि ये जो है बच्चे डेल्टा टी ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू क्या है, जीरो। और ये डेल्टा टी क्या है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू जीरो, और इसमें कोई डेल्टा टी नहीं है तो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू जीरो नहीं लिखेंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनने की कोशिश करना, बहुत कन्फ्यूजन हो रही है ना बच्चों कि मार्ट साहब ये रेंज में रहेगा तो डेल्टा टी नॉट इक्वल टू जीरो लिखेंगे, ठीक है, लेकिन अगर ये बहुत छोटा डिजिट हो जाए तो इसे टेंडिंग टू जीरो लिखेंगे। तो मार्ट साहब मैं कब समझूँ कि ये बहुत करीब है डेल्टा टी जीरो के और ये कब समझूँ कि नॉन जीरो है? तो मैं उस जानने वालों ने उसका तरीका ढूंढा कि जब डेल्टा टी बहुत छोटा हो, है ना, डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो हो, तो हम क्या करते हैं, डेल्टा को डी से बदल देते हैं, सॉरी यहाँ पे टी, डेल्टा को टी से बदल देते हैं। बस नाम है कि बार बार हम डेल्टा टी ना लिख करके डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो ना लिख के अब डी टी लिखेंगे। dt का मतलब ये पता है कि t का डिफरेंस है लेकिन छोटा है, टेंडिंग टू जीरो है, और ऊपर वाले s को क्या लिखेंगे, ds लिखेंगे। क्या मेरे बच्चे मेरी बात क्लियर हुई? तो अब हमने डेल्टा t को dt जैसे ही बदला तैसे ही हमें समझ में आएगा डेल्टा t अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू जीरो है। इधर हमें इससे कुछ हमें वैल्यू मिलेगा, लेकिन ये जो डेल्टा टी है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू जीरो है तो इसे हम नेगलेक्ट कर सकते हैं और इसकी डायरेक्ट वैल्यू हम 2t लिख सकते हैं, यानी कि ds अपॉन dt बराबर 2t आ गया हमारा। और ds अपॉन dt क्या है, ds अपॉन dt वो चीज़ है कि अगर हम इसे डेल्टा s अपॉन डेल्टा t लिखते हैं तो हमें लिखना पड़ता है कि डेल्टा t इज टेंडिंग टू जीरो, लेकिन हमें डेल्टा t इज टेंडिंग टू जीरो बार बार ना लिख करके हमने डेल्टा t टेंडिंग टू जीरो को dt ही लिख दिया। तो ये एक्चुअल में क्या था, ये था इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट किसे कहते थे? जब हमारे नीचे वाला डिफरेंस जो है वो एक्जैक्टली इक्वल टू जीरो होता था, लेकिन एक्जैक्टली इक्वल टू जीरो पर हमें आंसर नहीं मिल रहा था तो हमने आगे वाले क्वांटिटी को थोड़ा सा और आगे बढ़ा करके कैलकुलेट किया और एक्जैक्टली इक्वल टू जीरो से टेंडिंग टू जीरो लाने की कोशिश की और टेंडिंग टू जीरो को dt लिखा। तो यानी कि हमारा जो ds अपॉन dt है बच्चा, ये क्या है, ये इंस्टेंटेनियस रेट बता रहा है और इसकी वैल्यू हमने 2t निकाल ली। अब हमने अपने काम को आसान कर लिया। कैसे कर लिया मार्ट साहब? अब तुमसे पूछा जाए एस बराबर टी स्क्वायर दे करके कि फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एस विथ रिस्पेक्ट टू टी एट टी इक्वल टू 3 सेकेंड, टी इक्वल टू 4 सेकेंड, टी इक्वल टू 5 सेकेंड, टी इक्वल टू 7 सेकेंड। ठीक है, इतने सारा डेटा दे दिए। अब उस तरीके से पुराने वाले से जाते तो हमें हर एक वैल्यू पे पुट करना होता और 3 से 3 में कैलकुलेट करने का मतलब क्या है कि 3 से लेकर के 3.00001, 4 से 4.0001 ऐसे कैलकुलेट करना होता, सबका स्क्वायर करना होता और सबको अलग अलग निकालना होता। बट हमने ये फार्मूला निकाल लिया और फार्मूला निकालने से क्या आसानी हुई कि अब हमसे पूछा गया कि 3 सेकंड पे इंस्टेंटेनियस रेट बताओ, 3 सेकंड की इसमें वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड। अब तुम उस तरीके से भी जाओगे तो यही आंसर आएगा। जादू। 2 इंटू 4 सेकेंड यानी कि 8 मीटर पर सेकेंड। 4 सेकेंड पे जो रेट है वो 8 मीटर प्रति सेकेंड हो गए। 5 सेकेंड पे जो रेट है 2 इंटू 5 इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड और 7 सेकेंड पे है तो 2 इंटू 7 इक्वल टू 14 मीटर पर सेकेंड। क्या मेरे बच्चे मेरी बात क्लियर हुई? तो किस तरीके से फार्मूला हमारा काम में आ गया, सोच सकते हो। हम उस तरीके से जा रहे तो कितना मुश्किल हो रहा था। अब हम किसी टाइम पे इस फंक्शन के अकॉर्डिंग हमें रेट पूछ लो भाई, हम निकाल देंगे, क्योंकि हमें इंस्टेंटेनियस रेट ds/dt = 2t पता है। 2t हमेशा नहीं होगा, सिर्फ इस फंक्शन के लिए ये 2t होगा इंस्टेंटेनियस रेट का वैल्यू। जैसे एक और एग्जांपल करवाता हूँ, ये नोट करो। आज का लेक्चर थोड़ा तेज चलेगा क्योंकि मुझे पता है कि जो भी मैं आज पढ़ाऊँगा ना वो 90% बच्चे भूल जाएंगे, तो फिर से मुझे काइनेमेटिक्स में ये चीज़ बतानी ही पड़ती है। तो थोड़ा तेज चल रहा हो तो एडजस्ट करो और फोकस करने की कोशिश करो। मैंने जितनी गहराई में उतर के तुम्हें समझाया है, शायद मुझे तो ऐसा मास्टर नहीं दिखा जो इतनी गहराई में उतरता हो, और ख़ास करके फिजिक्स का। मैथमेटिक्स के तो यहाँ तक कि मैथमेटिक्स के नहीं उतरते इतनी गहराई में। चलो मैं एक सेकंड के लिए हट जाता हूँ, बच्चे कंप्लेन करते हैं कि हट जाया करो मास्टर साहब। चलिए हो गया बेटाऊँ, थैंक यू। मास्टर साहब तो ये डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? मैं बोलूँगा बता रहा हूँ बच्चे, आराम कर थोड़ा सा। अब हमने रेट को ऐसे डिफाइन कर लिया कि जब एवरेज रेट कैलकुलेट करना होगा तो ΔS/ΔT, या फिर अगर जनरल x और y के फॉर्म में लिखे तो ΔX/ΔT मतलब हो गया एवरेज रेट, ठीक है। और dx/dt का मतलब हो गया इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है। ये हमने कर लिया। एक उदाहरण और तुमसे मैं करवाना चाहता हूँ। मान लो कि S = 3t² दिया हुआ, ठीक है। तुमसे पूछा गया फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ, मैं ना ऐसे हाफ में बांट लेता हूँ ताकि बोर्ड को अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड वे में काम कर पाऊँ। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ S with respect to t at, at जहाँ मिल गया इंस्टेंटेनियस रेट पूछ रहा है। at t = 3 सेकेंड, और बताता हूँ। एक पहला सवाल ये हो गया t = 3 सेकेंड पे, दूसरा सवाल t = 99 सेकेंड पे, t = 54 सेकेंड पे, t = 27 सेकेंड पे। कैलकुलेट करो, 4 सवाल है। उसी मेथड से कि तुम s के जगह S + ΔS लिखो और t के जगह पे t + ΔT लिखो, फर्क नहीं पड़ता ना। सॉल्यूशन फंक्शन क्या दिया है? S = 3t², ठीक है। मैंने क्या किया, S में ना ΔT यानी बहुत छोटा सा s को जोड़ दिया, और t में ना बहुत छोटे से t को जोड़ दिया, पिछले मेथड के जैसा ही, ठीक है। पिछले मेथड में 3 नहीं था, यहाँ पे 3 है, ठीक। अब मैंने क्या किया, S + ΔS किया और 3 इसको a + b के होल स्क्वायर पे तोड़ दिया। कैसे तोड़ेंगे? a² + b² + 2t ΔT, ठीक है। अब S + ΔS किया, 3t² + 3 × ΔT² + 2t ΔT, यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है। अब S किसके बराबर है? 3t के बराबर, यानी S से 3t छमाछम उड़ गया। बचा क्या? ΔS = 3 ΔT² + 6t ΔT। इसमें से ΔT कॉमन लेके मैं इधर ले आऊँगा तो ΔS/ΔT हो जाएगा, = बचेगा 3 ΔT + 6t सिर्फ बचेगा, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? एट पूछ रहा है यानी इंस्टेंटेनियस रेट पूछ रहा है, यानी कि ΔT की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली = 0 पे ही डिफाइंड होगी। एग्जैक्ट 3 पे तो डिफाइंड ही नहीं हो सकती, प्रॉब्लम ही वही था हमारा, है ना। 3 सेकंड की शुरुआत से लेकर 3 सेकंड के अंत तक डिफाइन नहीं होते, क्योंकि वो एग्जैक्ट 0 होता है। ΔT एग्जैक्ट 0 होता है, लेकिन यहाँ पे ΔT टेंड्स टू जीरो है, करीब करीब जीरो है ना। अब टेंड्स टू जीरो ना लिख करके मैं इसे कैसे लिखूंगा, डी एस अपॉन डी टी, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये डेल्टा टी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू जीरो है, तो जीरो में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जीरो ही हो जाएगा, तो ये उड़ गया छमा छमसा, बचेगा क्या सिर्फ 6t। अब डी एस अपॉन डी टी की वैल्यू आ गई 6t, तो अब t की वैल्यू 3 रखो, 99 रखो, 54 रखो, 27 रखो, चारों का आंसर आ जाएगा। एक का मैं बताता हूँ, डी एस अपॉन डी टी की वैल्यू आ गई हमारी 6t है ना, तो 6 में 3 रखा तो 3 सेकंड पे 6×3 = 18 मीटर पर सेकंड हमारा आंसर आ गया इंस्टेंटेनियस रेट। सोचो उस तरीके से करते तो कितना मुश्किल होता ना। ये भी तरीका मुश्किल है, इसको भी और आसान करेंगे। वैसे ये तरीका तो तुम्हें पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया कि कैसे 6t आया, बट अगर तुम्हें याद हो जाए कि 3t² को पूरा फंक्शन करने पे जो इसका इंस्टेंटेनियस रेट यानी ds/dt जो आता है वो 6t ही होता है, तो ये कैलकुलेट ही ना करना पड़े, डायरेक्ट फार्मूला याद हो यूज करें। क्या कहते हो बच्चों, किया जाए वैसा खेल, जादू को और आसान किया जाए। हाँ वाट साहब करो, मैंने बोला कि शाबाश ठीक है करते हैं। ds/dt जो हमने लिखा ना बच्चे, इसे हम आम भाषा में क्या पढ़ते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ s विथ रिस्पेक्ट टू t, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू t, यानी कि के सापेक्ष में s का जो इंस्टेंटेनियस रेट है के सापेक्ष में t के, ठीक है। लेकिन जानने वालों ने, महान लोगों ने इसे ऐसे नहीं पढ़ा, महान लोगों ने क्या पढ़ा कि डिफरेंशिएशन, ऑफ s विथ रिस्पेक्ट टू t, यानी कि उन्होंने इंस्टेंटेनियस रेट को डिफरेंशिएशन के नाम से जानना चालू कर दिया। बात एक ही है, भाषा का अंतर है, और यहीं से आपकी डिफरेंशिएशन शुरू होती है। आपने अगर जाना हो तो आपको पता होगा कि ds/dt हमें कैलकुलेट करना पड़ता है कैलकुलस में, जो डायरेक्ट हमें शुरुआत ही की जाती है बाकी मास्टरों के द्वारा, बट मैंने वो नहीं किया। मैं पूरा बोर्ड क्लीन करता हूँ और तुम्हें फार्मूले जो बने बनाए हैं, जो इन सारे प्रोसेस को करके डायरेक्ट बनाए गए थे, उनको मैं तुम्हें बताना चालू करता हूँ। और अब तुम्हें ये जो अभी तक की फील वाली मैथमेटिक्स थी, ये अगर तुम भूल भी जाते हो तो अभी से भी अगर शुरू करते हो तो तुम्हारे काम की चीज़ अभी स्टार्ट होती है, जो कि फिजिक्स में तुम्हारे काम आएगी, ठीक है। एक एक फार्मूला को मैं तुम्हें एकदम, बच्चों की दिक्कत मैं फिजिक्स खराब इसलिए नहीं होती कि फिजिक्स नहीं आते, फिजिक्स खराब इसलिए होते क्योंकि मैथ्स नहीं आता है ना। तो मैं एक एक फार्मूले को तुम्हें फील कराऊंगा, कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं हूँ फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, बहुत अच्छा, बहुत मन होता है यार मैथमेटिक्स पढ़ाने का। अगर जीवन में कहीं मौका मिला ना तो मैं मैथमेटिक्स भी पढ़ाऊँगा तुम्हें, बहुत प्यारा सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, क्योंकि फिजिक्स मैंने पढ़ा है तो उसके लिए मैंने पूरी की पूरी मैथमेटिक्स चार्ट डाली। मुझे केमिस्ट्री नहीं आती, ये मैं स्वीकार करता हूँ, मैं केमिस्ट्री कभी जीवन में पढ़ाना भी नहीं चाहता, ये भी मैं स्वीकार करता हूँ। रीज़न ये है ना कि मैं वैज्ञानिक नहीं बनना चाहता, और केमिस्ट्री में ना बहुत सारी चीज़ें अभी इनकम्प्लीट है रिसर्च के मामले में, हम बहुत शुरुआती स्तर पर है। केमिस्ट्री इज़ अप्लाइड फिजिक्स एट अ स्मॉलर लेवल, तो फिजिक्स बहुत माइन्यूट लेवल पे जब हम अप्लाई करते हैं ना तो बहुत सारे हमें एक्सेप्शंस दिख जाते हैं। मैंने कहा ना कि फिजिक्स का आज का सारी की सारी थ्योरीज जो है वो 100 सालों के बाद गलत हो जाएगी। बहुत सारी चीज़ें तुम अभी पढ़ रहे हो ना, अगर तुम आज के 5 साल बाद ही फिजिक्स पढ़ते हो तुम्हें गलत मिलेंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ते हैं हम लोग, जब आइंस्टाइन ने रिलेटिविटी पढ़ाया था गलत किया ना न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को। चलो हम लोग अपनी डिफरेंशिएशन की टॉपिक को शुरू करते हैं और डायरेक्ट अब फॉर्मूलेज पे जाते हैं। फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन, फिर से वही बेसिक का सवाल मैं तुम्हारे दिमाग में एक लाइन में बिठाना चाहता हूं स्पष्ट रूप से। डिफरेंशिएशन क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट का ही मैथमेटिकल नाम है। तो यानी कि हम इसे क्या पढ़ सकते हैं और लिख के, फॉर्मूला ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट, फार्मूला ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट फॉर इम्पॉर्टेंट फंक्शंस, इंपॉर्टेंट फंक्शंस, फंक्शंस भी शॉर्ट में लिखा है, इंपॉर्टेंट पूरा का पूरा लिखा है, ठीक है। यानी कि अलग अलग फंक्शन का अलग अलग इंस्टेंटेनियस रेट का पूरा कैलकुलेट करने के बाद फॉर्मूला बनाया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल y बराबर x टू द पावर n, कोई एक फंक्शन दिया हुआ है, जैसे इसका उदाहरण y बराबर दिया हुआ है x का पावर 4, या y बराबर x का पावर 6, y बराबर x का पावर 9, s बराबर t का पावर 7, s बराबर t का पावर 4, w बराबर m का पावर 9, ऐसे दिया हुआ है। तो ये सबका सब किस तरीके के फॉर्मेट में है, y बराबर x का कुछ पावर है n जो कि कांस्टेंट है, n कांस्टेंट है, ठीक है, x वेरिएबल है, यानी कि यहाँ पे सबका सब वेरिएबल है। तो इस तरीके के जहाँ भी फंक्शन दिए हों उसका जो हम इंस्टेंटेनियस रेट कैलकुलेट करेंगे वो कैसे आएगा बच्चे, वो आएगा, उसके लिए सबसे पहले इंस्टेंटेनियस रेट इधर क्या लिखेंगे, डी वाई बटा डी एक्स, क्योंकि y जो है वो डिपेंडेंट है किस पे, x की वैल्यू पे, क्योंकि n तो चेंज हो नहीं रहा, n तो कांस्टेंट है। इसका जो कैलकुलेट करने के बाद पूरे पूरे मेथडोलॉजी से जो फार्मूला आता है वो आता है एन एक्स एन माइनस वन, तुम्हारी ज़िंदगी का डिफ्रेंसीसन का पहला फार्मूला। इसे बॉक्स में बना करके सुंदर से लिख लो, इस पर मैं क्वेश्चन कराता हूँ। आँख बंद करो ठंडे दिमाग से, मैं अब धीरे हो रहा हूँ थोड़ा, क्योंकि मुझे ये सारी चीज़ें तुम्हारे दिमाग में बिठा देनी है। y बराबर एक्स टू द पावर n, इमेजिन करो इधर y लिखा है, बराबर में x टू द पावर n लिखा है, उसका डिफ्रेंसीसन फाइंड करना है, डिफ्रेंसीसन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, इसे ऐसे पढ़ेंगे, और आम भाषा में इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। इसका फार्मूला हमें पूरी मेथडोलॉजी के बाद लास्ट में मिलता है, वो आता है एन एक्स एन माइनस वन, ठीक है, बढ़िया। अब सरल सा हमें फार्मूला दे दिया गया है, अब हम बिना कैलकुलेशन के हम ढेर सारी डिफरेंशिएबल जो इस फॉर्मेट पे फंक्शन दिए होंगे उसका इंस्टेंटेनियस रेट निकाल सकते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं तुमसे पूछता हूँ, ठीक है, तुमसे किसी ने कहा कि y बराबर एक्स टू द पावर 17, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ, फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ, फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x एट x इक्वल टू 7, x इक्वल टू 7 पूछ दिया, एट x इक्वल 7 पूछा, इसका मतलब हमें इंस्टेंटेनियस रेट निकालना है। अगर पूछा जाता फ्रॉम x इक्वल टू 7 टू समथिंग, x इक्वल टू समथिंग, तो हमें एवरेज रेट निकालना होता है, वो हमें आता है, वो बहुत आसान है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इंस्टेंटेनियस रेट निकालना है। तो हम कहाँ से पहुँचे थे ना बच्चे, इंस्टेंटेनियस रेट नॉन डिफाइंड होता था, फिर उसको हमने बहुत बगल के क्वांटिटी के लिए डिफाइन किया, फिर एक मेथडोलॉजी ढूंढा, क्योंकि वो वाला टफ था, मेथडोलॉजी के बाद मेथडोलॉजी भी टफ लगने लगा, तो उससे हम डायरेक्ट जो फार्मूला जो बुजुर्गों ने, हमारे भौतिक विज्ञान के बुजुर्गों ने कैलकुलेट करके रखा है, उसे हमने अपने काम में लेना चालू किया, समझ रहे हो बात को, और उस काम में लेने का जब हमने चालू किया तो हमें चीज़ें आसान लगने लगी, और हमारा काम किसी ने कर दिया, बहुत सारे कामों को कर दिया गया है बच्चा। फिजिक्स में आपको रिसर्च बहुत कम करने हैं, और जो भी करना है बहुत बड़े बड़े रिसर्चेज करने हैं। बुजुर्गों का जो आए लोग भौतिक विज्ञान में रिसर्च किया, इतने विरोध के बाद, उस टाइम चर्च की सत्ता थी, कितने वैज्ञानिकों को जला दिया गया, उसके बाद भी उन्होंने हमें ये दिया है, इज्जत करना है इस चीज़ की। चलो कैलकुलेट किया, y इक्वल टू एक्स टू द पावर 17 है, इसको सबसे पहले इंस्टेंटेनियस रेट लिखने का मतलब हमें क्या फाइंड करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स, ये एक्स टू द पावर 17 है, यानी एक्स टू द पावर n के फॉर्मेट में है, तो इसका dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या होता है, एन एक्स एन माइनस वन, यानी कि n क्या है 17, तो 17 x अपॉन 17 माइनस वन इक्वल टू हो गया 17 x का पावर 16, ठीक है, तो 17 x का पावर 16, अब इसमें x की जगह पे आप 7 रख दो, 17 इंटू 7 का पावर 16, और 7 का पावर 16 निकालना और 17 से मल्टीप्लाई करना, आपका आंसर आ जाएगा। उस तरीके से कितना लंबा होता, मुझे तो हालत ख़राब हो जाती यार। और एक फ़ायदा इससे और होता है कि उसमें आपको अलग अलग डेटा के लिए, जैसे x=7 दिया हुआ है तो x=7 के लिए 7 के बगल वाला रिजल्ट लेना होता था और उससे हमें कैलकुलेट करना होता सिर्फ x=7 पे इंस्टेंटेनियस रेट। लेकिन इस फार्मूले के माध्यम से हम x पे कोई भी वैल्यू रखें ना बच्चे, x=7, x=8, x=9, x=10, सबके लिए हमें इंस्टेंटेनियस रेट मिलता जाएगा। ठीक है, चलो 2-3 सवाल इस पर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हुए हम और आगे करते हैं। एग्जाम्पल y = x⁹ अब मैं ये पूरा लैंग्वेज में ना पूछ के डायरेक्ट ऐसे पूछूंगा, dy/dx बताना। सिंपल सी बात है, x⁴ के फॉर्मेट में है। हाँ मार्ट साहब, x⁴ के फॉर्मेट में है तो 9 को सामने लेते आएंगे, x रखेंगे और 9 - 1 करेंगे, यानी कि 9x⁸। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब मैं रेट नहीं पूछूंगा क्योंकि आपको पता है कि x की वैल्यू कुछ भी डालते जाना है, रेट हमें मिलते जाएगा। प्रैक्टिस मैंने इस बात की करनी है कि इस फॉर्मूले तक हमें आने की प्रैक्टिस। x = t³ दिया हुआ है, करो कैलकुलेट। क्या कैलकुलेट करोगे? मेन ये वाला सीखना है, dy/dx लिखना। तो इधर क्या लिखोगे? डिपेंडेंट कौन है? x। इंडिपेंडेंट कौन है? t। यानी कि डिपेंडेंट ऊपर dx/dt, t की क्यूब है तो ये वाला सामने आ जाएगा, 3t³-1 3t²। ये आंसर हो गया हमारा। s = t²। हाँ, t² देता हूँ, जो हमारा एग्जाम्पल था जो पूरी मेथड से हमने निकाला था। तो s= ये वाला सामने आ जाएगा, यानी 2t/2 - 1, 2t⁴ यानी कि 2t। आप अपने कॉपी में पिछले एग्जाम्पल में देख लो, वो जो मैंने पूरे मेथड से निकाला था वो यही 2t आया था हमारा, देख सकते हो, है ना। तो ये हमने प्रैक्टिस की, और प्रैक्टिस करते हैं। y = z⁹ सिंपल सी बात है, इसमें इधर क्या लिखोगे? ये मैंने क्या किया, यहाँ पे ds/dt लिखना मैं भूल गया, आप लिख लो। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखोगे बच्चे? यहाँ पे लिखोगे dy किसके रिस्पेक्ट में? dz के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ये 19 सामने आ जाएगा, z⁹ - 1 = 19 z⁸। क्या मेरी बात क्लियर हुई? हाँ क्लियर हुई। y = x⁴ और x = y⁴। ये दो को बस कैलकुलेट कर दो। इसका भी डिफरेंशिएशन बताओ, इसका भी डिफरेंशिएशन बताओ। डिफरेंशिएशन में जैसे ही पूछो, इसे इंस्टेंटेनियस रेट बोलते हैं। बनाओ, बनाइए बच्चों, आपका फ्रेम तो बहुत अच्छा आ रहा है। कैलकुलेट इट ब्रोस एंड सिस, अच्छे से कैलकुलेट करो। इम्पॉर्टेंट यह है कि तुम क्या लिखते हो, इसको क्या लिखोगे। अगर मुझे उम्मीद है कि तुमने सही लिखा होगा, तुमने ये लिखा होगा dy/dx और इसकी वैल्यू हो जाएगी 16x⁴। कैसे हुई? 16 को सामने लाया और 16 - 1 किया तो 15 आया। इसे तुमने क्या लिखा होगा? इसे तुमने लिखा होगा dx/dy, यानी कि 16x गलत 16y⁴। ठीक है, तो ये लिखना आपको आ गया। क्यों करते हैं डिफरेंशिएशन भाई साहब? इंस्टेंटेनियस रेट कैलकुलेट करना है। कहाँ करना है? पहला चैप्टर काइनेमैटिक्स में करना है। ढेर सारा पूरी की पूरी वेलोसिटी जो है वो रेट ही तो है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड जर्क। रेट ऑफ चेंज ऑफ, पता नहीं, बस इतना ही जानो, आगे नहीं, हवा में उड़ जाओगे। तो पहला आपका फार्मूला जीवन का ये हो गया, आपको ये याद रखना है। ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ, अगले फार्मूले के ऊपर चलने की कोशिश करते हैं। बहुत कम ऐसे खास खास फंक्शन है जिसका हमें जानना है, ऐसे तो अनंत फंक्शन हो सकते हैं ना। मैथमेटिक्स में आप सीखोगे, हमने भी एक ही फार्मूला देखा है। फार्मूलाज ऑफ डिफरेंशिएशन। और कौन सा फार्मूला तुम्हारा करवा दूँ? ठीक है, एक ये चीज़ ध्यान दे देना। मान लो कि तुम्हें पूछा गया y बराबर x लिख के दिया गया, ठीक है, तो पिछले फार्मूले के अकॉर्डिंग तुम इसका डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करो dy बाई डी एक्स का। यानी जब dy बाई डी एक्स करोगे और यहाँ पे x लिखा हुआ है जिसका कोई नहीं, उसका 1, तो ये 1 सामने आ जाएगा। 1x अपन 1 माइनस 1 इक्वल टू 1x का पावर 0, यानी x का पावर 0 यानी कि 1, तो 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, यानी कि x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो 1 होगा। y इक्वल टू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होगा। ठीक है, तो ये मुझे एक छोटा सा एग्जाम्पल और करवाना था। चलो, अब एक खास तरीके का फार्मूला जो तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाई गए, मैं टॉपर की तरह पढ़ाऊँ या फेलियर स्टूडेंट की तरह पढ़ाऊँ? तुम बताओ, तुम्हें टॉपर मान के पढ़ाऊँ, मतलब टॉपर होने वाले टॉपर, अभी तुम कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, मैं तो सभी को एक बराबर मान के पढ़ाता हूँ, बट होने वाले टॉपर मान के पढ़ाऊँ? चलो, फार्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन मैं यहाँ नोट करते जाता हूँ। y बराबर एक्स टू द पावर एन का मैंने फार्मूला निकाला, dy वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एन एक्स अपॉन एन माइनस वन, 1 लिखा हुआ है। ठीक है, अब फार्मूला एक और नया फंक्शन लिखता हूँ, साइन ए एक्स प्लस बी। टॉपर वाली बात है, घबराना नहीं। साइन ए एक्स प्लस बी, इसका हमने जब कैलकुलेट किया किसी ना किसी मेथड से, तो डी वाई बाई क्या लिखेंगे, डी ए या डी वाई अपॉन डी बी, पहले तो यही बताओ, अब या डी वाई अपॉन डी एक्स। ए एंड बी कांस्टेंट है, इसमें ए और बी कांस्टेंट है। बताओ, जब तुमने बेसिक जाना होगा तब मैंने बताया है, अगर वो तुम पकड़ पाओगे, तुम बता पाओगे क्या लिखा जाएगा डिफरेंशिएशन के लिए, डी वाई अपन डी ए, डी वाई अपन डी बी या डी वाई अपन डी एक्स, किसके अकॉर्डिंग वाई चेंज होगा, किसको चेंज करने पे वाई चेंज होगा, बताना। ए और बी तो गधेड़े कांस्टेंट है, ए और बी तो कभी चेंज ही नहीं होगा, तो ए को चेंज करने पे वाई क्या चेंज होगा, ये तो चेंज ही नहीं हो सकता, चेंज सिर्फ एक्स होगा, है ना, सिर्फ एक्स चेंज हो सकता है। तो x के बदलने पे y पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उसी को हम इंस्टेंटेनियस रेट कहेंगे, और मैथमेटिकल भाषा में डिफरेंशिएशन। तो ये तो गलत, ये तो गलत, ये सही, यानी कि dy बाई डी एक्स हमें निकालना है। समझदार बच्चे, इसका फार्मूला हमने जब कैलकुलेट किया है मैथमेटिक्स के माध्यम से, तो ये हमें आता है y बराबर cos ए एक्स प्लस बी और मल्टीप्लाइड बाई ए, dy बाई डी एक्स बराबर, मतलब कि ए को अगर सामने ले आए तो ए कॉस ए एक्स प्लस बी। ठीक है, ये फार्मूला होता है, ये आपको याद रखना है, इसे भी बॉक्स में इंक्लूड कर लो और इसे भी इस बॉक्स में इंक्लूड कर लो। ठीक है, ये फार्मूला है तुम्हारा, है ना। सवाल करें, ध्यान से अपने आँख में बिठाओ, अगर y बराबर ऐसा फंक्शन दिया हो साइन ए एक्स प्लस बी, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, कॉस ए एक्स प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए। उदाहरण, वाई बराबर साइन एक्स लिखा हुआ है, कैलकुलेट करना है इसका डिफरेंशिएशन। तुमने पहले किताबों में ये पढ़ा होगा, है ना, लेकिन मैंने टॉपर के तरीके से पढ़ाया, तो मैंने ये बताया जनरलाइज्ड फॉर्म है ना, इस फॉर्म के माध्यम से ये निकाल सकते हो। पहले तो इस फॉर्म में इसको लाओ, तो वाई बराबर इसे क्या लिख सकते हैं, साइन वन जिसका कोई नहीं उसका 1x प्लस जीरो, ए के जगह पे 1 आ गया और b के जगह पे 0। अब इस फॉर्मूले के आधार पे इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स कॉस इतना, डी वाई बाई डी एक्स क्या लिखेंगे, कॉस 1x प्लस जीरो मल्टीप्लाइड बाई ए यानी कि 1, यानी कि कॉस 1x इक्वल टू 1 ही, ये x ही होगा, तो x लिख दिया, उसमें जीरो जोड़ेंगे तो x ही आएगा, और 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अगर इफ़ y बराबर साइन एक्स है बच्चे, तो dy वाई बाई डी एक्स बराबर क्या है, कॉस एक्स। कॉन्ग्रेचुलेसन्स। चलिए, दूसरा क्वेश्चन करना। इतने सारे सवाल करा दूंगा ना कि तुम्हारा डिफ्रेंसिएशन तो एकदम हवा में निकलेगा। बहुत हाई लेवल पे जाएंगे हम लोग डिफ्रेंसिएशन का। मैं वेक्टर का डिफ्रेंसिएशन तुम्हें बताऊंगा जो शायद तुम्हें नहीं पता हो, कभी सुना भी नहीं होगा वेक्टर का डिफ्रेंसिएशन, बट बहुत काम आता है। फिजिक्स पूरी की पूरी जो है ना आसान वेक्टर का डिफ्रेंसिएशन ही बनाता है। तो इतनी छोटी छोटी चीज़ों को करके खुश मत हो जाना और उदास भी मत हो ना कि छोटी चीज़ें कर रहे हैं, है ना। ये छोटी चीज़ें तुम्हारे लिए हैं क्योंकि ये फॉर्मूला दे दिया गया, नहीं तो अगर इसको यहाँ तक लाने में ना हालत ख़राब हो गई वैज्ञानिकों की। तो मैथमेटिक्स में पढ़ोगे अगर, पढ़ाएगा मास्टर ढंग का होगा तो यहाँ से आना ही, तो वो भी ऐसे ही लिख के चलता बनेगा। इसका बहुत कॉम्प्लिकेटेड मेथड है बच्चे, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड। मतलब वाई से इसको यहाँ से यहाँ लाने में हालत ख़राब होती है। जैसे इसका जो यहाँ से यहाँ कैलकुलेट करने का मेथड होगा वो क्या होगा, वो यही होगा ना, वाई प्लस डेल्टा वाई किया गया होगा, साइन ए एक्स प्लस डेल्टा एक्स किया गया होगा, प्लस बी किया गया होगा। अब इसका वैल्यू यहाँ तक कैसे आएगा वो सोचा गया होगा। इसमें से डेल्टा एक्स को हम कैसे और डेल्टा वाई के नीचे लाएंगे वो सोचा गया होगा। इसको साइन ए प्लस बी पर तोड़ा जाता है, फिर उसको पूरा का पूरा एक्सप्लैंड किया जाता है। फिर वाई और ये वाई जो है साइन एक्स प्लस बी जो है, वाई साइन एक्स प्लस बी जो है, इसको हमें काटा जाता है। मुश्किल है, आसान नहीं है। तुम्हें आसान इसलिए लग रहा है क्योंकि करने वालों ने पहले ही कर दिया था। चलो अगला क्वेश्चन जल्दी से करो, इस पर मैं ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करवाऊंगा क्योंकि ये बहुत आसान है। 5x है, चलो इसको करना। पहले निकालोगे क्या, dy बाई dx साइन, ये 5x को 5x प्लस जीरो लिख सकते हैं, हाँ मार्ट साहब लिख सकते हैं। तो साइन ax प्लस बी के फॉर्म में आ गया, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, cos 5x प्लस जीरो और बाहर में 5 से मल्टीप्लिकेशन क्योंकि ax प्लस जीरो यानी a ये है, तो 5 cos x cos 5x, ये जो हो गया आंसर हो गया। ठीक है, 5 को मैंने सिर्फ सामने ला के लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 3, y बराबर साइन 2x का फॉर्मूला बनाओ, इसी पे बेस्ड होगा। इसे हम 2x ना लिख के 2x प्लस जीरो लिखते हैं, हाँ हो गया, x प्लस बी के फॉर्म में आ गया। तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो गया बच्चे, cos 2x प्लस जीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है, मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी कि 2 cos 2x। ये गलती कभी मत कर देना है, cos 2x इंटू 2 को cos 4x कर देना, ध्यान से। 2 को आगे इसीलिए मैं लिख देता हूँ ताकि 2 cos 2x लगे तो आंसर हो जाए। ठीक है, शाबाश, एक और कर लो। क्वेश्चन नंबर 4, z बराबर साइन 39m। इसमें इधर क्या लिखेंगे, इसमें इधर लिखेंगे m के बदलने पे z बदलेगा, यानी कि dz ऊपर dm नीचे, साइन 39m 39 आगे लगाया। कैसे हुआ सोचो, 39m प्लस जीरो किया, यहाँ पे कॉस होगा भाई स्नेहित सर क्या कर रहे हो, 39 कॉस 39m। ठीक है, कैसे हुआ, इसको 39 प्लस जीरो लिखा, ये इस फॉर्मेट में आ गया। अब क्या किया, इस फॉर्मेट पे ला करके इसका मैंने आंसर मार दिया। अगर कैलकुलेट करना हो तो कितनी सामत आती ना बच्चे। ये सारी चीज़ें हम कर क्या रहे हैं, ये डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। डिफ्रेंशिएट मतलब कि इंस्टेंटेनियस रेट कैलकुलेट कर रहा है, यानी कि वाई में बदलाव विथ रिस्पेक्ट टू एस कितना होगा इस फार्मूले से। अब हमें सवाल में ऐसे पूछा जाता कि एक्स इक्वल टू 4 पे वाई की इंस्टेंटेनियस रेट कैसे होगी, तो एक्स के वैल्यू 4 यहाँ पे रख देते। वो रखना बहुत मुश्किल बात नहीं है, तो वो मैं कैलकुलेट नहीं करा रहा, मैं सिर्फ फार्मूले तक पहुँचने की कोशिश करवा रहा हूँ इंस्टेंटेनियस रेट में। ठीक है, चलो अब वाई इक्वल टू साइन एक्स प्लस बी कैलकुलेट करना हमने सीख लिया, तो y इक्वल टू कॉस एक्स प्लस बी भी कैलकुलेट करना हमें सीखना होगा ना, हाँ सर सीखना तो होगा। अब मैं थोड़ा छोटा लिखूंगा ताकि अब बस एक ही बोर्ड में मैं तुम्हारा पूरा आज का क्लास ख़त्म कर दूं। दूसरा फार्मूला हमने पढ़ लिया बच्चे क्या, कि y इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी दिया हुआ है, तो a कॉस ए एक्स प्लस बी हमारा dy बाई dx का वैल्यू होगा। ठीक है, अब आता है y इक्वल टू, अगर और ऊपर लिखता हूँ, y इक्वल टू अगर cos ax प्लस बी दिया हुआ है तो dy बाई dx की वैल्यू क्या होगी, ये होगी माइनस a cos ax प्लस बी। याद रखना, मतलब माइनस cos ax प्लस बी और a यहाँ पे। ठीक है, डिफ्रेंसिएशन में आगे माइनस लगता है, इस बात का ध्यान रखना। बहुत दिनों तक मैं भी कंफ्यूज रहा था, जब मैं तैयारी कर रहा था 2 साल तक मेरी कन्फ्यूजन क्लियर नहीं हुई थी। तो ये चीज़ तुम ध्यान में रखना। माइनस लगता है dy by dx की वैल्यू। ठीक है, सवाल करना चालू करते हैं। ये तुम्हारा तीसरा फार्मूला हो गया। क्वेश्चन नंबर 1, y इक्वल टू कॉस एक्स की वैल्यू निकालो, डिफ्रेंशिएट करो इसे आराम से, जल्दी नहीं है कोई। पहले लिखेंगे क्या यहाँ पे, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कॉस का होता है, यहाँ कॉस ही मैंने कैसे लिख दिया यार, नहीं क्या कर रहे हो। माइनस ए साइन होगा बच्चे, कॉस का डिफरेंस साइन होता है। माइनस कॉस एक्स को लिख सकते हैं कॉस 1x प्लस 0, तो इस फॉर्मेट में आ गया। तो माइनस साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाई 1 को आगे लाएंगे, मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कॉसेस का जो डिफरेंसेस होता है ना, माइनस साइन एक्स होता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन करो। एक्स बराबर कॉस 7y, इसका करना डिफरेंशिएशन। इसको क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स नहीं, अब डिपेंडेंट हो गया x और इंडिपेंडेंट हो गया y, तो चेंज इन x होगा। तो dx चेंज इन x अपॉन चेंज इन y इक्वल टू माइनस साइन 7y और एक बगल में 7 लग जाएगा। 7y प्लस 0 लिखते हैं इसको, तो 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो माइनस 7 साइन 7y। ठीक है, अगला क्वेश्चन करो। x बराबर कॉस 39y प्लस 27 करना, 39y प्लस 27। यार एक तो ना ये लंबी क्लासेस जब होती है ना, आज तुम्हारे लिए पहली क्लास होगी, मेरे लिए चौथी क्लास है, तो खड़ा होना बहुत मुश्किल सा हो जाता है यार, बट फिर भी पढ़ाना तो है ना। चलो इसे क्या लिखेंगे, ये y पर डिपेंडेंट है x, तो इसे लिखेंगे dx अपॉन dy। ठीक है, 39y प्लस 27 ax प्लस b के फॉर्मेट में है, तो इसको क्या करेंगे, माइनस 39 लिख दो साइन 39y प्लस 27। कैसे किया मैंने, कॉस को पहले साइन में बदला, तो साइन ये आगे माइनस लगाया और 39 इधर मल्टीप्लाई होता, तो इसको मैंने आगे ही मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया, हाँ किया। एक और सवाल बस कर लो। y बराबर कॉस 27z प्लस b इज़ अ कांस्टेंट, क्या लिखेंगे इसे, डी वाई बाई डी एक्स नहीं गधेड़ो, z पे ये डिपेंड कर रहा है, तो डी वाई अपॉन डी जेड माइनस साइन 27z प्लस b मल्टीप्लाइड बाई 27 उठा करके आगे ले आओ, क्योंकि मिस्टेक होता है कि 27 को बच्चे इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसलिए माइनस 27 साइन 27z प्लस b इज़ द आंसर। ठीक है, नोट करो। एक आगे के चैप्टर से भी मैं तुम्हें करवा देता हूँ जो तुम्हें एसएचएम में पढ़ना होगा, ये काम आता है। 5th नंबर का क्वेश्चन, y इक्वल टू कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा, जिसमें कि ओमेगा और थीटा वेरिएबल है, यानी कि ओमेगा ए की जगह पे और थीटा बी की जगह पे, तो इसको डिफ्रेंशिएट करना। क्या आ जाएगा, डी वाई किस पे डिपेंडेंट कर रहा है, टी पे, तो डी वाई अपॉन डी टी क्या होगा, माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। क्या ये प्रैक्टिस हो गई। पिछले वाले फार्मूले के आधार पे एक और कर लो, y इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, इसमें क्या होगा, सिर्फ माइनस नहीं आएगा, डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा। ओमेगा और थीटा कांस्टेंट है, ये बात याद रखना। ठीक है, तो इसमें कॉस हो गया जिसमें माइनस का साइन नहीं लगेगा, है ना। तो हमने ये कर लिया और इसके बाद हमने ये तीसरा फार्मूले की भी प्रैक्टिस कर ली 5 सवालों के साथ। ठीक है, आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं बच्चे। अगले क्लास में 2 चीज़ें करनी है। पहले तो एक एक्स इक्वल टू लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन बताऊंगा, एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन बताऊंगा, फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशिएशन, फिर उसके बाद चेन रूल, कोशेंट रूल और डिफरेंशिएशन वेक्टर का, और उसके आगे हम पढ़ेंगे। आज मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हें 3 फार्मूले इंपॉर्टेंट बताए हैं। अगर वाई इक्वल टू कॉस ए एक्स प्लस बी है, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू होगी माइनस साइन ए एक्स प्लस बी, यहाँ पर ए मल्टीप्लाई ए आगे आएगा तो ये ऐसे बन जाएगा। तो ये तीन फार्मूले, एक फार्मूला ये है, एक फार्मूला ये है और एक फार्मूला ये है। इन तीन फार्मूलों को ही बस तुम्हें आज याद करना है। पता है मेरा मानना क्या है कि बच्चों को एक ही बार में ज़्यादा कंटेंट दे करके 10 दिन के लिए वो बैठ जाता है, उससे अच्छा थोड़ा थोड़ा दे दे करके उनके दिमाग में फीड करते जाओ। आज का लेक्चर तुम्हें बहुत डेंस लगा होगा, यानी कि बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं तुम्हें, लेकिन जब तुम आराम से बैठोगे ना, तुम्हें बस यही 3 चीज़ें दिखेंगी। और यही एक टीचर की कोशिश होती है कि बच्चा जब क्लास से जाए ना तो उसे अंदर से घबराहट ना हो कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड देकर दिया गया है। यानी क्या कहा, बस ये 3 फार्मूले याद कर लो, है ना। शुरुआत से मैंने प्रॉब्लम समझाई, किस तरीके से हम इस फार्मूले पे पहुँचे हैं वो भी समझाया, और बहुत मज़े से मैं और तुम तैयारी कर रहे हैं। मैं भी तुम्हारे साथ बहुत कुछ सीख रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ बहुत कुछ सीख रहे हो। मज़ा आ रहा है सीखने में, मैं बहुत खुश होता हूँ तुम सभी के रिस्पॉन्सेस को देख के, बहुत खुश। मतलब वहाँ जहाँ पे 1.5 लाख रुपए दे करके बच्चे और टाइम पास कर रहे हैं, घूम रहे हैं, टपरी मार रहे हैं, तुम यहाँ पे मेहनत करके बैठे हुए हो बच्चे। ये मेरे लिए ना इमोशनल बात है, क्योंकि मैं तुम्हारी जगह कहीं था। पता है मैं अभी कोचिंग कभी नहीं गया था, टेलीग्राम्स पे लेक्चर ढूंढता था शायद इस कोचिंग का, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे फ़ी देने को। मैं गया था एक कोचिंग में पता करने कि भैया आपकी फ़ी कितनी है, क्योंकि मेरा सपना है IIT की तैयारी करने का। उन्होंने बोला था 1.5 लाख रुपए पर ईयर के। मैं लौट आया था घर पर, मैंने बोला था सेल्फ स्टडी से भी होती है तैयारी मम्मी, ऐसा थोड़ी होता है नहीं होती। तो मैं तुम्हारे अंदर खुद को देखता हूँ। मुझे कोई स्नेहित मिश्रा सर नहीं मिले थे, बट तुम्हें मिलेंगे और फ्री मिलेंगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर मैं खुद को देखता हूँ, एक ऐसा बच्चा जो 10th पास करके ऊंचा जाने के ख्वाब रखता है, बट ये समाज ने ऐसे सिस्टम बना रखी है कि एक आम से बच्चे को ऊंचा जाने नहीं दिया जाता। लेकर जाऊंगा तुम्हें, जिद है मेरी, नहीं कैसे जाऊंगा, पागलपन है। वो दिन याद करता हूँ जब तुम्हारी जगह पे मैं था ना, तो मुझ जैसे इंसान की ज़रूरत थी, मुझे मुझ जैसा इंसान नहीं मिला, तुम्हें मिलेगा और तुम्हें पहुंचा कर रहेगा। आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं बच्चे। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा होगा सीखने में, IIT वाईटी तो बात की बात है, सीखने में अच्छा लग रहा होगा। कोई सुझाव है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में देना, मैं हर बात की रिप्लाई करता हूँ। कोई डाउट है ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछना, ठीक है। हैव अ गुड डे, नाइट, इवनिंग, जब भी आप इस लेक्चर को देख रहे हो। जय हिंद।